बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। टेंथ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसके कुल तीन पार्ट्स हैं तो मैं इंशाल्लाह दो पार्ट्स करूँगा, एक जैसे ही है, जो एक छोड़ूंगा वो आसानी से आप कर लेंगे। अच्छा, हमारा जो सिलसिला वो चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से बात हो रही थी। डिस्क्रिमिनेंट हम बोलते हैं बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, और इसकी जो चार प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी हुई 1, 2, 3, 4, ये चार प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर की लिखी हुई हैं, तो ये यूटिलाइज होती हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की कीमत मालूम करनी है। इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, ये जो क्वेश्चन दी हुई ना, सिर्फ तीन क्वेश्चन दी हुई हैं, दूसरी और तीसरी, इसके रूट्स जो है वो कहते हैं इक्वल है, तो ये यहाँ पे दो जगह पे के लिखा हुआ है, इस के की कीमत कहते हैं मालूम करें। तो गौर से देखें, रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल उस जो होता है रूट इक्वेशन के इक्वल तब होते हैं जब इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो हम इसको हल करने के लिए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। वी कंपेयर इट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए की एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2k-1, बी एस का कोफिशियंट यहाँ पे बी है, उधर है 3k, सी की जगह 3, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट इट शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम इसकी कीमत पुट करते हैं, बी की जगह हमारे पास है 3k, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह हमारे पास है 2k-1 और सी की जगह हमारे पास है 3 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 9k² 3k का स्क्वायर। अच्छा, ये 3, 4, 12 हो गया, 12 माइनस 12 और 2k-1 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे देखिएगा, इसको 12 लिख दें या 3 × 4 भी लिख सकते थे, बहरहाल ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आसान था, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखें, 9k² - 24k + 12 इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई कर दिए इसको। इसके बाद यहाँ से देखें, इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन है, 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से और ये भी 3, तो 3 कॉमन ले लें, 3, ये 3k² - 8k + 4 इक्वल टू 0। मैं आपको यहाँ पे कह रहा था कि मैं 3 ना अपना मल्टीप्लाई करूँ, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ना करता तो ये 3 और ये 9 इसमें से कॉमन ले सकता था, वहाँ पे स्टेप ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, यहाँ पे जो लॉजिकल बात है 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, या दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, कॉन्स्टेंट को डिवाइड कर सकते हैं आप। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपके पास x² + 1 फर्ज कर रहे हैं, इस तरह की इक्वेशन आ गई, तो आप बोथ साइड पे x डिवाइड करेंगे तो एक आंसर जो इसकी कीमत 0 है वो मिस हो जाएगी। ये हर जगह पे डिवाइड करना ठीक नहीं होता, कॉन्स्टेंट को आप डिवाइड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो इसके बाद क्या हो गया, 3k² - 8k + 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाए, 4 × 3 = 12, 6k² 12 लाना है, माइनस का 6k और माइनस का 2k,
आपस में ऐड होते हैं तो माइनस का 8 हो जाता है, आपस में माइनस 6 और माइनस 2 मल्टीप्लाई होते हैं तो ये प्लस का 12, ये प्लस का 12 ही बन रहा था, और प्लस 4 इजिकल टू 0। यहाँ से कॉमन ले 3k, k माइनस 2, यहाँ इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन है, k माइनस 2 इजिकल टू 0, k माइनस 2 फिर कॉमन लें और 3k माइनस 2 इजिकल टू 0, तो k माइनस 2 इसको भी 0 के बराबर लिख दें, 3k माइनस 2 को भी 0 के बराबर लिख दें, तो k की कीमत 2 आ गई, 3k की कीमत 2 और k की कीमत 2/3। आपसे पूछा गया था k की कीमत बताएं कि जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हो, तो हमारे पास क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, के स्क्वायर था, उसकी दो कीमतें आ गई, के इजिकल टू 2 और के इजिकल टू 2/3, ये इसका आंसर है जी। अब इसका मैंने थर्ड पार्ट लिया, एक मैंने फर्स्ट किया, एक मैं थर्ड पार्ट करूँगा, सेकंड भी आसानी के साथ आपके पास हो जाएगा। ये कुछ पोर्शन मैंने मिटा दिया, कुछ मैंने नहीं मिटाया। तो ये इक्वेशन लिखी हुई है और आपको बोला गया कि इसके रूट्स इक्वल है, के की कीमत मालूम करें, के तीन जगह पे, 1, 2, 3 बहरहाल, एनी हो वी कंपेयर इट विद, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर इसके साथ है 3k प्लस 2, इसका कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का ये है, बी इसका कोफिशियंट है -5 इंटू के प्लस 1 और सी की कीमत है 2k प्लस 3। अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है पिछले सवाल से ही कि फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, इसके अंदर कीमतें फिल करते हैं, बी हमारे पास क्या है -5 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर लिख देते हैं, -4 ए की जगह 3k प्लस 2 और सी की जगह 2k प्लस 3 इजिकल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -5 का स्क्वायर लेंगे 25 और के प्लस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर, इधर के स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर बी की, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab 2k1 यानी कि 2k आ जाएगा, माइनस 4 अभी मैं रहने देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 से मल्टीप्लाई का 6k स्क्वायर, 3k इससे मल्टीप्लाई 9k, ये 2 इससे 4k, 9k और 4k को ऐड करेंगे तो 13k, 2 3 6 इजिकल टू 0। इसके बाद हमारे पास आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि लेंथ से ज़्यादा है, 25k² प्लस 50k प्लस 25 माइनस 24k² माइनस 52 माइनस 4 13 52 और साथ आएगा k और माइनस 24 4 6 24 इजिकल टू 0, 25 तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 4 तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25k² और 24 1k² बच गया, ओनली 1k² 52 में से 50 निकाल ले तो ओनली 2k, 25 में से 24 निकाला तो 1 बचा, 1। अब इसको पहचान लें, इसके जोड़े बनाने बैठ जाएं या इसको पहचान लें तो बेहतर है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1
और इसके जो पेयर बनेगा माइनस वन के और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यही तो तरीका ये हो गया। दूसरा पहचान लें ये k माइनस वन का होल स्क्वायर है, इसके पेयर क्योंकि इक्वल पेयर बन रहे हैं ना तो ये होल स्क्वायर होगा। बहरहाल मैं इसी तरीके से कर देता हूँ, मैंने इसके पेयर बना दिए, यहाँ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फार्मूला नजर आ रहा है, जिस तरीके से मर्जी कर लें। यहाँ से कॉमन लें k, k माइनस वन, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस वन क्योंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं है, माइनस वन होगा k माइनस वन, तो ये दोनों बराबर आ गए k माइनस वन और बाकी बच गया k माइनस वन। मैंने आपको बोला था k माइनस वन का होल स्क्वायर है, आप इसे k माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, k माइनस वन दो मरतबा लिखेंगे क्योंकि k की कीमत वन और k की कीमत वन, तो a की कीमत लिखती है, तो ये यहाँ पे a कीमत लिख ली है, ठीक है, और वो ये है वन। तो k की जगह अगर वन लिख दिया जाए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है वो इक्वल होंगे, ये इसका आंसर है। हाँ, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस वाला है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आने वाला है, तो ये देखिएगा, शो डैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई हैज इक्वल रूट्स, इसके रूट्स इक्वल है, वही बात कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इफ सी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो। अच्छा, ये इस सवाल की क्वालिटी है कि आपको यहाँ पे आंसर यहाँ भी दिया हुआ, आंसर जो है उन्होंने ये दिया हुआ है कि ये आपने आंसर लाना है, इसका किताब के पीछे आंसर नहीं लिखा होगा, यानी आपने इसको प्रूव करना है, आंसर ये लाना है। तो ये बिस्मिल्लाह करते हैं जी, इसको करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास है उसने दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, एक्स स्क्वायर इसका फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो मेरे पास ए स्क्वायर की जगह आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर यानी कि सी है उसकी जगह पे यह आ जाएगा जी सी स्क्वायर, और टू बी सी टू एम सी एक्स, एम सी एक्स, एक्स सेंटर में आ रहा था लेकिन मैं साइड पे लिख रहा हूँ, और उसके बाद ये ए स्क्वायर ये भी इस तरफ ले आऊँ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर दो मरतबा लिखा हुआ है, यहाँ कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर तो वन प्लस एम स्क्वायर बचेगा, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसे हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है, यहाँ पे आप ख्याल करें कि इसके अंदर वो ऑलरेडी ये सी मौजूद है ए मौजूद है, तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, अगर ये लिखेंगे तो फंस जाएंगे सवाल के अंदर, ए बी सी तो उसके अंदर मौजूद है, या इसको डैश लिख लें, या ज़्यादा बेहतर है इसको कैपिटल लिख लें, या उससे पहले मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखा दूँ, वी कंपेयर इट विद, हम इसे कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए यहाँ पे छोटा नहीं डालेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, वेयर कैपिटल ए, इसकी जगह आपके पास आ गया वन प्लस एम स्क्वायर कैपिटल बी, इसकी जगह आपके पास आ गया टू एम सी और कैपिटल सी, इसकी जगह आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फॉर इक्वल रूट्स इसका डिस्क्रिमिनेंट वो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इट शुड बी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कीमतें पुट करते हैं, बी की कीमत आपके पास 2 एम सी इसका स्क्वायर 4
ए की कीमत हमारे पास है 1 प्लस एम स्क्वायर, सी की कीमत हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है जी 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके बाद ये माइनस का 4 और इसको मल्टीप्लाई करें, 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा 1 इससे। अब ये m इन दोनों से होगा तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा जी, इसके बाद ये 4 को हम मल्टीप्लाई करके आगे हल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है 4 दोनों में से कॉमन निकल ले, 4 कॉमन ले लें। देखिए बाकी क्या बच गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद देखें ये 4 आपका कॉमन जा चुका है, माइनस का सी स्क्वायर, इसकी लामतें चेंज करते जाएं, प्लस का ए स्क्वायर, माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एम ए लिख लें या ए एम लिख लें, दोनों बातें ठीक है, इज इक्वल टू 0। मैंने 4 कॉमन लिया, ये 4 बाहर आ गया और उसके बाद ये माइनस के साथ इन सब की इलामतें, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस और माइनस, ये मैंने इलामतें इसकी चेंज कर दी, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब ये हो गया 4 तो 0 के बराबर नहीं है, या दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दें, ज़्यादा बेहतर ये है, लॉजिकल बात है। बहरहाल आपकी दोनों ऑप्शन है, कर सकते हैं। यहाँ देखें एम सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन नहीं, आंसर उसने कहा है कि जो मैंने बताया वही लाना है। तो उसने क्या बताया आपको, उसने इसकी शेप बताई है कि सी स्क्वायर अकेला होना चाहिए और ए ये दोनों तो प्लस थे, मेरे यहाँ पे माइनस आ गया, इसलिए मैं चौंका कि ये गलती। तो गलती जो है ये मैंने देखा है कि ये मल्टीप्लिकेशन में एम ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के, तो यहाँ पे माइनस की सिंबल थी जो मुझसे, वो गलती हुई। अच्छा जी, अब ये जब इसकी सिंबल चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस और ये सिंबल प्लस की, और ये मुझे क्लियर हो गया क्योंकि मेरे सामने आंसर था, वरना मैं आंसर गलत निकाल बैठता। बहरहाल इसके बाद देखिएगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर उस तरफ ले जाए और इधर रह गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और इसमें से दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर बच गया, इजिकल टू सी स्क्वायर इधर लिख लें या इजिकल टू सी स्क्वायर इधर लिख लें, तो ये दोनों तरीके ठीक है। बहरहाल ये रिक्वायर्ड फॉर्म है जो कि उसने कहा था कि आप साबित करें, तो हम इसको कहेंगे हैंस, इसको लिखेंगे प्रूव्ड, हैंस द प्रूफ। बाद क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ द दिस इक्वेशन आर इक्वल। पांचवा छठा सवाल सेम, लेकिन फ़र्क इतना है कि वहाँ पे इसने आंसर लिखा हुआ था कि ये आंसर लाना है, यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ, आंसर जो निकालेंगे वो पीछे से चेक करेंगे ये सही है या गलत है, और जो आंसर आएगा आंसर लिखेंगे। पिछली मरतबा हमने लिखा प्रूफ या प्रूव्ड, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसका स्केयर खोल लें, ए प्लस बी का स्केयर लिखा हुआ है तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्केयर की एम सी एम स्केयर सी एक्स स्केयर सी स्केयर, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो गया प्लस 2ab, 2 तो मैंने लिख दिया, ए बी ये है एम सी एक्स एम सी एक्स और माइनस 4ax इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x दो जगह पे मौजूद है, इनको इकट्ठा करते हैं, इसको लिखिए दोबारा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में x भी कॉमन है, 2 भी, 2 में कॉमन लेता हूँ, x इधर लिख देता हूँ
को इधर लिख दिया, एक्स इधर लिख दिया, टू और एक्स कॉमन निकल गए, आपके पास बच गया एम सी। इसके बाद इस फोर को टू से डिवाइड करेंगे, यानी कॉमन गया तो टू, और इसके अलावा यहाँ पे एक्स कॉमन चला गया ए, तो आपके पास एम सी और टू ए बच गया, और टू एक्स आपने कॉमन लिया प्लस सी स्क्वायर इधर टू जीरो। अब इसके अंदर ए और सी मौजूद है, तो हम कैपिटल ए बी सी लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वी कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो, वेयर ए कैपिटल आपका ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एम स्क्वायर है, बी बी की जगह आपके पास है टू एम सी माइनस टू ए, और कैपिटल सी की जगह है सी स्क्वायर, स्मॉल सी स्क्वायर वो कैपिटल सी है। अच्छा, इधर देखने में ये सी जो है वो बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन ये स्मॉल सी है, कैपिटल सी हमने बाद में लिया। अब इसके बाद देखिएगा, उसने क्या है कि रूट उसके इक्वल है, तो फॉर द इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी इक्वल टू जीरो, और बी की कीमत आपके पास है टू एम सी माइनस टू ए, इसका स्केयर ले ले माइनस फोर, ए की जगह आ गया एम स्केयर, और कैपिटल सी की जगह आ गया स्मॉल सी स्केयर इजिकल टू जीरो। अब इसका स्केयर खोलते हैं, ये टू का स्केयर फोर हो जाएगा फोर, ये ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा एम स्केयर सी स्केयर, बी स्केयर लिखेंगे तो फोर ए स्केयर प्लस फोर ए स्केयर, और इसके बाद टू माइनस टू ए बी, टू इस टू से मल्टीप्लाई होगा फोर हो जाएगा, फोर माइनस का फोर, और इसके लिख देते हैं ए एम सी लिख देते हैं, या ए एम सी तरतीब जो मर्जी लिख लें इसकी, ए एम सी। अच्छा, इसके बाद माइनस का फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू जीरो। अच्छा, इन तमाम में आपका फोर कॉमन निकलता है, फोर ये वाला फोर दोनों में कॉमन है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर ए एम सी प्लस फोर ए माइनस फोर आपने कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू जीरो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, और फोर आपको पता है जीरो के बराबर नहीं है, तो आपके पास बच गया माइनस फोर ए एम सी प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सॉरी इजिकल टू जीरो। अच्छा, यहाँ से आपके पास कॉमन निकलता है माइनस का फोर ए, माइनस फोर ए दोनों के अंदर है, तो आप यहाँ से एम सी और माइनस का यहाँ पे बच गया आपके पास ए इजिकल टू जीरो। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा माइनस फोर तो जीरो के बराबर नहीं है, ए जीरो के बराबर हो सकता है, ये बात भी हो गई, और दूसरी ये है कि ये एम सी माइनस ए ये भी जीरो के बराबर हो सकता है, तो आप इस तरह लिख लें या एम सी इजिकल टू ए लिख दें, ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। जी, आज हमने इस एक्सरसाइज का फोर फाइव और सिक्स क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर फोर के कुल तीन पार्ट थे, तो दो पार्ट्स मैंने किए, इसके बाद चार क्वेश्चन रह गए, तो अगला लेक्चर भी कुछ लंबा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, और ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एफएससी के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त बुनियाद है जो इसे आपने लेके चलना है, तो इसकी खूब प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।